अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, इतना हमने कर लिया कंप्लीट। अभी मैं इसमें मसाले मिक्स कर रहा हूँ। तो अरफात, आपके साथ कौन है अभी? मेरी बहन। तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक हो गए, अच्छे से हो गए, खैर हो सके। तो गाइस, थैंक्स फॉर 50K ऑन इंस्टाग्राम। तो आज मुझे बहुत ही खुशी है क्योंकि इंस्टाग्राम पे 50K हो गए। तो आज थोड़ी पार्टी करेंगे और हमने आपसे एक प्रॉमिस किया था, हम 10-day चैलेंज वीडियो बनाएंगे। इंशाल्लाह वो भी पूरा करेंगे अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो। तो अभी यार मैं अंदर रेडी हो रहे हैं और बहुत ही मज़ा आने वाला है आज। तो देखते हैं दिन भर क्या रहेगा, दिन भर का प्रोसेस। दो दिन से व्लॉग ये स्टार्ट कर रहा है लेकिन आज भी इसने एक फनी जोक मारा है। इसने बोला है, क्या बोला? अल्लाह ताला ने जिंदगी दी तो। खैर, थैंक यू सो मच फॉर 50K ऑन इंस्टाग्राम, ऐसे प्यार करते रहना। और आज पार्टी करेंगे हम, क्यों भाई? लेकिन केक वेक नहीं काटेंगे, घर में कुछ स्पेशल बनाएंगे, ठीक है ना? हाँ, मैं खुद कुक करूँगा। फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं क्या करेंगे, तब तक आप भी वीडियो में बने रहो। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। तो गाइस, अभी हमें मार्केट तक जाना है, वीडियो में बने रहना, कुछ चीज़ें लानी है। बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो पहले मार्केट तक जाएंगे, कुछ चीज़ें लाएंगे, उसके बाद घर पे ही पार्टी करेंगे। ओहो दोस्तों, आप मुझे आज कमेंट करना आपको मेरा मोटो व्लॉग करना अच्छा लगता है कि नहीं। एक्चुअली मैं बहुत कम करता हूँ, इसलिए मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, कमेंट में बताना कि आपको मेरा मोटो व्लॉग करना अच्छा लगता है कि नहीं। अगर अच्छा लगता है तो फिर हम किसी अच्छी जगह जाएंगे, मोटो व्लॉग करेंगे। तो आज कमेंट ज़रूर करना कि कैसा लगता है आपको। तो पहले पेट्रोल भरवाते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। तो पेट्रोल भरवा दिया स्कूटी में, तो अभी आगे जाते हैं मार्केट, जल्दी से चीज़ें लाते हैं, फिर घर आते हैं। तो मीट मिल गया, आज घर में कुफ्ते बनाएंगे। क्या बनाएंगे? चल पीछे, चल पीछे, मज़ा आएगा। चलो मीट तो ले लिया, अब कुफ्ते बनाएंगे, लेकिन मैं खुद बनाऊंगा। इसमें बहुत टाइम लगता है बनाने में, और देखेंगे कैसे बनेंगे। आप भी देखना मेरी कुकिंग कैसी है। वैसे आपने माह रमज़ान में मेरी कुकिंग देखी है, आप लोगों को काफ़ी पसंद आई मेरी कुकिंग। अब आज देखते हैं आप लोगों को कितनी पसंद आई। जब खुद बनाता है ना इंसान तो मज़ा आता है, सीरियसली, अपने हाथ का खाना, क्योंकि मेहनत लगती है। जिस चीज़ में मेहनत लगती है उसमें मज़ा तो आता ही है। तो मार्केट से घर हम वापस आ गए, पहले आप लंच करेंगे, उसके बाद कुफ्ते बनाएंगे। तो आप भी देखना कि कैसे कुफ्ते बनाऊंगा मैं, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। तो गाइस, खाना वाना हमने खा लिया, अब ये मीट, इसको अब तैयार करना है और बहुत ही अच्छी पार्टी होगी। पार्टी होगी? हाँ। इसको क्या बनाना है हमें? हमें कुफ्ते। कुफ्ते? हाँ। लेकिन इसको तैयार करने में बहुत मेहनत लगेगी भाई, बहुत ज्यादा। तू करेगा? हाँ। जरा बोल कैसे करना है इसको। इस पे डालना है, वो हाथ को नहीं लगवाना, हो ले नो वास्ता, छोड़ छोड़, बस 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 बस, हो गया तैयार। क्यों कराओ? फारोस दिमाग श्राकन फाश चेस दिमाग ये बिच पे, ये क्या कराये थे? क्यों कराये? प्यारा ना प्यारा इस बिचा, वो इनका इधर को तैयार चाव के थे। तो ये देख के कितना तैयार किया हम लोगों ने, वाह वाह, बहुत तैयार हो गया। तो उसको ना मैं लगन 5 मिनट है कि ना, ए अथा लग बराबर 8 घंटा। आपके साथ कौन है अभी? मेरी बहन। सच बाल जखैस? सच्ची क्यों? सच मुझे मगर कम ही इन लड़ाई करा? ठीक है? ओके। शबाश शबाश मजदूर।
अभी तैयार हो रहा है। कैसे चला हो क्या? मुझे भी खाना है। ये काटो नहीं तो भैया लटाया था तो लटाओ, पहली फुर्सत से निकाल। कैश 50 के स्पेशल आज क्या हुआ? खत्म। देखा इसमें कितनी मेहनत लगती है वो? हाँ। कितनी लगती है? इनको लगता होगा व्लॉग में 1 सेकंड लग गया, लेकिन रियलिटी में बहुत ज्यादा। अभी इतना है, अभी इतना है यार, आधा ना आधा तक भी खत्म नहीं किया अभी। अभी हमने कुछ इतना सा किया बस। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, इतना हमने कर लिया कंप्लीट। अभी मैं इसमें मसाले मिक्स कर रहा हूँ। क्यों भाई? और इसमें अभी अंडे भी मिक्स करने हैं। हाँ जी हाँ, तो इसमें अंडे भी मिक्स करने हैं और थोड़ा बहुत और मसाला ऐड होगा, उसके बाद हम बनाना स्टार्ट करेंगे। हाँ। लेकिन स्वेट आ गया कसम से, इतना तैयार करने में बहुत स्वेट, बहुत। हालत खराब हो गई कसम से। अरियान क्या ये जो इसमें डाल रहे हैं ना ये, इसको क्या बोलते हैं? बड़ल। बड़ल? हाँ। से क्या को? सीरत भी हमारी हेल्प कर रही है। क्यों? हाँ। जुबान नहीं? मुझे भी खाना है ना। अच्छा, तुम्हें भी पार्टी खानी है? कोई बात नहीं जवानों, मेहनत करो, मेहनत का फल मिल जाएगा। तो ये देखिए अब इसमें कैसा कलर आ गया है, सारे मसाले इसमें मैंने डाल दिए, अभी बस अंडे डालने हैं। सीरत तोड़ो, इसमें डालो अंडा। हाँ, आराम से, वेरी गुड। हाँ जी, फर्स्ट टाइम आया तोड़ना। तो और एक तोड़ो, आज तो मजा आ जाएगा सीरियसली। और भाई? हाँ जी बोलो। सो लाइक ओरिजिनल वाज, ओरिजिनल वाज है 100% है, 100% कैसा वाज काम कैसा? आपको कैसा लग रहा है? टेस्टी लग रहा है? विकिपीडिया ऑसस मुझे वा आप आराम से। हाँ हो गया, चलो डालो तेल। मैं बोलूंगा कितना घर के नाइट मारना वक्त ज़्यादा त्रोजन जी, ज़रा थोड़ा और बस, हाया ही ज़्यादा। तो अभी यार भाई कुफ्ते बना रहे हैं। बना नहीं रहा हूँ, अब बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो पहला मैं डालूँ? हाँ डालो। हाँ आप दिखाना इनको जब मैं इसको डालूँगा, ठीक है? हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय हाय माशाल्लाह, आपको कैसा लग रहा है, कैसा बनेगा? बहुत ही अच्छा। बहुत ही अच्छा। हाँ। फिलहाल मैंने 3 डाल दिए, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा। जरा मेरी और दिखाओ। तो फिलहाल वेट करते हैं, उसके बाद टेस्ट करेंगे, देखेंगे हमारी मेहनत मेहनत का नतीजा क्या है। क्यों बनो कोफ्ता क्या? तो थोड़ा कर अरे भाई शेप पे मत जाओ, टेस्ट पे जाओ। और टेस्ट के बच्चे इनको थोड़ा गोल रोटी की जैसा बना वो क्या बने थे जो रिश्ते। तो गाइस अभी कुछ इस तरीके से तैयार हो गए, अभी और दो अभी भर रहे हैं, और सीरत अभी कुछ इस तरीके से बना रही है। ये नई शेप, नई शेप अब कुफ्ते लग रहे हैं, ये रिश्ते लग रहे हैं, लेकिन ये तो अब कुफ्ते है ना। हाँ ये अब कुफ्ते, इसी तरह मैं बोल रहा था। आपने एक खाया, टेस्ट कैसा लगा? बहुत ही जबरदस्त। तो इतने हमने बना लिए, ये देखो और आधे बन रहे हैं। और आपको एक चीज दिखानी है, ये शेप सीरत ने दी और ये अरियान ने सीधे देखे फर्क, मतलब लड़की हमेशा काम में अव्वल होती है ना भाई। तो गाइज ये है हमारी मेहनत का नतीजा, 3 घंटे के बाद ये तैयार हो गया। हाँ। 2-3 हमने खाए भी, लेकिन ये हमने शाम के लिए रखे इसको खाने के साथ, ये हम अभी खाएंगे, घर वालों को भी टेस्ट करवाएंगे। तो गाइस बहुत मेहनत लगी, हमारे हाथ जल गए और सीरत ने भी बहुत ज्यादा मेहनत की इसमें। तो बिल्कुल, तो ये हमारा 50K स्पेशल घर में। हाँ। बाजार में जाते तो कितने कम टाइम में, वरना हम केक भी काटते। हमने सोचा नहीं ये गुनाह है, हम घर में कुछ बनाएंगे, इससे बहुत मजा आएगा और हेल्दी भी है। हाँ। तो जरा आप करो एक को टेस्ट। ओपी सीरियसली, सीरियसली आप खुद देख सकते हो, जरा थोड़ा दो। हाँ सीरत ये लो, सीरत को भी दो थोड़ा। आह कैसा है सीरत? जबरदस्त। तो इतनी मेहनत करने के बाद अभी इसको टेस्ट करने का टाइम आ गया, इन्होंने तो टेस्ट कर लिया, मैंने भी कर लिया, लेकिन अब आपके सामने थोड़ा बहुत टेस्ट करेंगे, देखेंगे कैसा मज़ा है। और आप लोग बताना कमेंट्स में आपको मेरी कुकिंग कैसी लगी, फिर हम बीच बीच में कुकिंग वीडियोस भी बनाएंगे। मैं खुद की तारीफ नहीं कर सकता, लेकिन बहुत मज़ा है सीरियसली।
मतलब बढ़िया। हम हमेशा यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं लेदर बॉल को, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस इंसान करेगा उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। स्वेट देख के हालत खराब होगी, तो मैंने इसको आउट ले लिया। लेकिन इसकी भी हालत देखिए जरा, इधर से पसीना है। यहाँ पे ये सीमेंट है ना, इस पे प्रैक्टिस करने का अलग ही मजा आता है। चलो अब बालियार को प्रैक्टिस कराते हैं। तो प्रैक्टिस लगातार चल रही है, हालत खराब हो गई भाई की। अभी मोहसिन भी आया, फरहान भी आया, अभी हम चार प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर नेट लगाना। नेट हाँ भाई, वो भी लगाएंगे। एक्चुअली हमारा एक इम्पोर्टेंट मैच आने वाला है, इसलिए थोड़ी बहुत प्रैक्टिस ज़रूरी है, और हमारे सेहत के लिए भी थोड़ा बहुत। और गाइस हम इसके लिए नेट लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इधर जाती है बॉल। हाँ, अगर ज़ोर से मारते तो यहाँ बॉल जाती है, तो इसलिए क्या लाएंगे, नेट। हाँ, प्रैक्टिस ज़रूरी है, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा खेलेंगे, उतना अच्छा खेलेंगे ऑब्वियसली। चलो फिलहाल आप ये ना इधर बॉल। तो प्रैक्टिस सेशन कम्प्लीट, हालत मगर खराब। तो प्रैक्टिस सेशन हो गया कंप्लीट, लेकिन बहुत ज़्यादा थक गए। टाइम कितना है, पता नहीं, लगभग 6:30 हो गए लगभग। तो अभी थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद व्लॉग को देखते हैं आगे करेंगे कि एंड करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया। आज भी मैं लेट कोई व्लॉग एंड कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल मैं डेली व्लॉग कर रहा हूँ। और दोस्तों आप बताना आपको डेली व्लॉग में कितना मज़ा आ रहा है। अगर ठीक लग रहा है तो मैं डेली करूँगा, अगर आपको इरिटेटिंग लग रहा है तो आप वो भी बता सकते हो। खैर, आज के 3 कमेंट्स मैंने जो पिक किए हैं, जो आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे, उसमें से सबसे पहला नाम आता है शेख महक का। तो इन्होंने एक खूबसूरत कमेंट की है, वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी, आप पढ़ सकते हो। और दूसरी कमेंट मैंने पिक की है आतिश मुजफ्फर की। ये मेरे रेगुलर व्लॉग्स देखते हैं, थैंक यू सो मच आतिश भाई, ये सोपर से रहते हैं। और तीसरी कमेंट मैंने पिक की है राशिद मलिक की। तो ये आज के 3 कमेंट थे जो मैंने पिक किए, इनके नाम भी मैंने बोले। अगर आप भी चाहते हो कि आपका नाम व्लॉग में आए, तो आपको खूबसूरत सी कमेंट करनी है और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है द केके आवर। खैर, उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करना, और दोस्तों फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फॉलो करना। अगर प्यार भेजना चाहते हो तो स्टार भी भेज सकते हो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम। लोला।